खाड़ी के मुस्लिम देशों ने अमेरिका और इसराइल को बड़ा झटका दिया है। पश्चिम एशिया देशों ने अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमला करने के लिए उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। दरअसल इसराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब देने की धमकी दी है। साथ ही अमेरिका ने भी इसराइल का जवाब देने का समर्थन किया है। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका इसराइल को पश्चिम एशिया दोनों ने साफ तौर पर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है, जो कि दोनों देशों के लिए बड़ा झटका है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। पश्चिम एशिया के जिन देशों ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, वो लंबे समय से अमेरिका सहयोगी और साझेदार हैं। लंबे समय से बेहतर रिश्तों के बावजूद इन दोनों देशों ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए अपनी भूमि या हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ईरान बदले में उन पर भी हमला कर सकता है। ईरान ने ऐसे संकेत भी दिए हैं। ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए वह नहीं चाहते कि उनके हवाई या जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो। बता दें कि पश्चिम एशिया के ये मुस्लिम देश इसराइल के गाजा और लेबनान में हमलों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ इसराइल की सहायता भी करते रहे। ईरान ने अप्रैल में इसराइल पर 600 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। तो जॉर्डन और सऊदी अरब ने भी अमेरिका, यूके और फ्रांस का साथ इसराइल की सहायता करने में दिया था। हाल ही में ईरानी हमले में भी जॉर्डन ने इसराइल की बड़ी मदद की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।